आज इस घटना का खुलासा हुआ है। इसमें ये पता चला जाए, जो चार अभियुक्त थे उनसे पूछताछ में ये पता चला कि नीरज के द्वारा जो परिवार की एक लड़की थी उसके द्वारा एक BLR कंपनी से एक एजेंसी जो चलाती थी, जो एजेंट के रूप में काम करती थी और कम रेट में ये साइकिल प्रोवाइड करते थे, जिसके लिए 7,500 रुपये जो एक्यूज जो पकड़े गए हैं नीरज के द्वारा जो है प्रोवाइड किया गया था, वो पैसा वापस करने के लिए उसके ऊपर उसके द्वारा दबाव बनाया जा रहा था। जब पैसा देने के लिए मना कर दिया गया और उसके द्वारा ये कह दिया गया तुम्हें जो चाहे करना है कर लो, पैसा तुम्हारा वापस नहीं मिलेगा, तब उसके द्वारा एक भूमिका बनाते हुए अपने साथियों के साथ ले जाके उनके घर पे जाके जो है ये घटना कारित की गई। ये दोनों एक दूसरे को जानते थे, एक ही कॉलेज में ये पढ़ाते थे, पहले से जानते थे। इनके द्वारा एक योजना बनाई गई, एक भांग की गोली खा के ये चारों लोग जो है घटनास्थल पे पहुंच गए और इनके द्वारा जो है जो परिवार की जो बड़ी लड़की थी उसके फ़ोन करके बुलाया गया, वहाँ पे दरवाज़ा खोलने के लिए बुलाया गया, पेट्रोल मेरे गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, उस पेट्रोल को भरने के लिए बहाने जो है उसको खोलने के लिए बताया गया। जब दरवाज़ा उसके द्वारा खोला गया तब उसको ओवरपावर करते हुए वो अंदर लेके गए और फिर परिवार के अन्य 3 सदस्यों को मूसल से जो है उन्होंने सर पे वार करके जो है उनकी हत्या की गई और उसके बाद बड़ी लड़की के साथ भी जो है उसके साथ भी हत्या और बलात्कार की घटना कारित की।